हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एन मार्शल आर्ट। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ किकअप। किकअप को दूसरा बोला जाता है स्प्रिंग जंप। तो किकअप के कुछ बेसिक्स हैं जो आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को यूज़ करके किकअप कर सकते हैं। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट लेवल है वो विदाउट हैंड आप किकअप करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जब आप किकअप करते हैं तो आपने क्या करना है, पहले आप इसका बेसिक, इसमें पहले हल्का हल्का रोल करिए, इसमें हल्का सा पीछे बैक अगेन पीछे बैक, ये इसकी आप कंटिन्यू 10 से 20 बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले डी बनने की प्रैक्टिस करनी है, जिसे हम योगा में चक्रासन बोलते हैं। आपने पहले अपने दोनों हाथों को यहाँ लगाना है और अपने लेग्स को फोल्ड करके डी अप, इसके बाद डाउन अगेन। इसी में जैसे आपने डी में अपने हाथों से पुश किया था, अब सेम किकअप में आपने अपनी बॉडी को वेव बनाते हुए पुश करना है। यहाँ से हल्का सा ये अपने हाथों को पीछे टच करिए और जो पैर है आपने कोशिश करिए कि जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाइए और वहाँ तक थोड़ा सा स्ट्रेट रखिए। बैंड भी नहीं रखना आपने और बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं रखना। लाइक आप बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे रखते हैं तो वो नहीं करना आपने, और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, ऐसे भी नहीं करना आपको। इसको हल्का सा बैंड रखना है और हल्का सा ओपन रखना है, लाइक दिस। ठीक है, इसकी कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करिए कैसे आप रोल कर सकते हैं। इसके बाद आप आता है आपको हैंड से पुश कर रहे हैं, पुश करने के बाद आपको हल्का हल्का अप आना है, लाइक दिस। ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए दो चार बार यहाँ से ये। ठीक है, ये करने के बाद इसको कंटिन्यू आप 10 बार 20 बार करेंगे। उसके बाद आपको फुल स्पीड से हेड से पुश कर रहे हैं। पुश करने के बाद आपको माइंड से खेलना है। माइंड से खेलने का मतलब ये है कि आपको खड़े होना है, अपने दिमाग से सोच लीजिए कि आपको स्टैंड अप पे आना है। तो देखिए, जब भी आप पीछे जाएं पूरा हाथों को पीछे टच करके पुश करिए और यहाँ से स्टैंड अप हो जाना, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, जब भी पीछे जाते हैं तो हैंड से फुल पावर से पुश करना है और बॉडी के अंदर वेव बनाते हुए, जैसे हम डी बने हुए थे तो उसी तरीके से स्टैंड अप में आना है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से पीछे जा रहे हैं इस तरीके से, ये आप अपनी हैंड्स के हेल्प से आप पुश करके स्टैंड अप हो गए। इसके बाद आता है इसका नेक्स्ट लेवल जो कि होता है विदाउट हैंड। उसके लिए आपको पहले ये लेवल आना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आइएगा। जब भी हम विदाउट हैंड किकअप करते हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी बॉडी से पुश कर, अपने नीज को हल्का सा पहले पुश करिए। अगर आपको नीज से पुश करने के बाद स्टैंड अप आ जाते हैं तो आप वो भी हटा कर सकते हैं, लाइक दिस। देखिए, जब आप यहाँ से पीछे जाएंगे तो हाथ पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से यहाँ रखिए नी के पास और पुश कर देंगे, उससे आपकी पूरी बॉडी वेव बनते हुए स्टैंड अप हो जाएगी। देखिए कैसे यहाँ से ये, ठीक है, इसको इस तरीके से आप पुश कर सकते हैं। इसमें एक तरीका और आता है जो हम बच्चों को कराते हैं और उसकी आप अभी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बेसिक तरीका है, मैं आपको वो सिखा देता हूँ कैसे आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ या किसी भी पार्टनर के साथ हेल्प के थ्रू आप अपने आप को किकअप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि आप जिसको भी आप किकअप के लिए हेल्प करेंगे आपको उसको थोड़ा सा पुश करना है यहाँ से, उसके दोनों हाथ आपके पैरों पे होंगे। उसके बाद आपने उसको हल्का सा आपने अपनी नी को अप करना है, जैसे ही वो करने वाला होगा आपको नी को अप करना है। यहाँ से क्या होगा, हमको एक हल्की सी हेल्प मिलेगी जिससे वो स्टैंड अप हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से ये इस तरीके से, जैसे ही आपने हेल्प किया तो ये अप कर दो, ओके। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है उसमें आपने क्या करना है, अपने अपने पार्टनर को शोल्डर पे हेल्प करनी है, शोल्डर से हल्का सा पुश करना है विद नी अप। ठीक है, इसमें देखिए स्टार्ट, ये इससे बेनिफिट क्या हुआ कि आपके पार्टनर को हाफ एफर्ट लगाना पड़े हाफ आपको, जब उसको हैबिट हो जाए आप कंटिन्यू उसको कर सकते हैं। एक बार फिर से आइए स्टार्ट, ये इस तरीके से, इस तरीके आप किकअप की कंटिन्यू ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ही आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आर एन मार्शल आर्ट में ऐसे ही फ्री सेशंस चलते रहते हैं जो आप आके कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। और ऐसे लाइव सेशंस देखने के लिए आप
हमारे चैनल को मास्टर विवेक कटारिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्यन मार्शल आर्ट।